बढ़ेंगे खबर क्यों, करणपुर विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जो है जारी हो गई है। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया जो है 19 दिसंबर नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि है, वहीं 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 22 दिसंबर तक नामांकन पत्र जो है वापस लिए जा सकेंगे, वहीं 5 जनवरी को मतदान होगा और 8 जनवरी को मतगणना होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह के देहांत के बाद ये चुनाव जो है स्थगित हुआ था। करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा 11 अन्य उम्मीदवार भी इस चुनाव में है। वहीं करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कुल 249 मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 दिसंबर तक 2,40,826 मतदाता हैं, जिनमें से 1,25,850 पुरुष, 1,14,966 महिलाएं, 180 सर्विस वोटर और 10 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, क्या बताएंगे, करणपुर विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है, नामांकन पत्र भरने से लेकर मतगणना और मतगणना तक इस प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल भाभी, राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन आज से यहां पर शुरू हो रहा है। 5 जनवरी को यहां पर मतदान होगा। मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो रही है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के अलावा अगर हम बात करें तो 11 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को नामांकन करना होगा, क्योंकि वहां पर उनकी मृत्यु होने के चलते ही वहां पर चुनाव को वहां पर स्थगित किया गया था। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के चलते इसलिए वहां पर दोबारा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको नामांकन, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की अगर हम यहां पर बात करें तो उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर तक यहां पर नामांकन लिए जा सकेंगे, 30 दिसंबर को यहां पर नामांकन पत्र और 22 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। गौरवी, इसके अलावा 5 जनवरी को यहां पर मतदान होगा और 8 जनवरी को जो मतगणना है वो की जाएगी, जो कि जिला मुख्यालय पर ही शुरू होगी। सुबह 8 बजे से वहां पर मतगणना शुरू होगी। अगर हम यहां पर कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो 249 यहाँ पर मतदान केंद्र हैं। 6 दिसंबर तक अगर हम बात करें तो 2,40,826 यहाँ पर मतदाता हैं और इनमें से 1,25,850 पुरुष और 1,14,966 यहाँ पर महिलाएं हैं, 180 यहाँ पर सर्विस वोटर हैं और 10 अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अन्य जो वोटर हैं ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। और भी जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जो है जारी की गई है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर नामांकन पत्र जमा कराने की तिथि है, इसी के साथ 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, समीक्षा होगी और 22 दिसंबर तक नामांकन पत्र जो है वापस लिए जा सकेंगे। इसी के साथ 5 जनवरी को इस सीट के लिए मतदान होगा और 8 जनवरी को इसकी मतगणना की जाएगी। संसद